खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बुरी खबर है, अब वो नियम तोड़कर बच नहीं पाएंगे। जनपद में परिवहन विभाग के एक आधुनिक मशीनों से सुसज्जित एंटीसेप्टर गाड़ी मुहैया करा दी गई है। जिस गाड़ी में लगे कंप्यूटर सिस्टम से चलती हुई गाड़ी का चलाना बहुत ही आसानी पूर्वक हो जाता है। जनपद के परिवहन विभाग में तैनात यात्री कर अधिकारी सत्य प्रताप देव ने बताया, लगभग 300 मीटर पर चल रहे वाहन का चलाना इस सिस्टम से बहुत ही आसानी पूर्वक हो जाता है। सैटेलाइट के जरिए सिस्टम खुद तय करता है वाहन के द्वारा किस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। यात्री कर अधिकारी श्री देव ने यह भी बताया कि इस सिस्टम से नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक किसी भी हद पर बच नहीं पाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर हमारा दायित्व बढ़ गया है, इसी के लिए ये गाड़ी बहुत विशेष तौर पर तैयार की गई है कि जो गाड़ियां निर्धारित गति सीमा से जिन मार्गों का जो भी गति सीमा तय की गई है उससे अधिक गति से जा रही हैं उनका चालान करने के लिए, उनको रोक लगाने के लिए ये गाड़ी दी गई है। ये 10 दिनों के लिए हरदोई में दी गई है और अभी इस गाड़ी इसकी विशेषता ये है कि हमको वहाँ नहीं रोकना पड़ता है। हम इसमें जो रडार लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, हम उस गाड़ी पे फोकस करते हैं जो गाड़ी हमको लगता है स्पीड से जा रही है, तो जो गत सीमा उस मार्ग की तय की गई है उसके ऊपर अगर जा रही होती है तो ये उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेता है, उसके इमेज को कैप्चर कर लेता है और उसी गत सीमा कितनी है ये भी बहुत एक्यूरेटली उस पर अंकित हो जाता है, जिससे हम अगर वो गत सीमा का उल्लंघन कर रहा है इस बात का हम चालान कर सकते हैं उस आंकड़े का आधार पर। सर, किस हिसाब का कैमरा इसमें लगा हुआ है? इसमें एक लिडार संयंत्र लगाया हुआ है जो कि रडार से ही काफ़ी मिलता जुलता है। इससे हम 300 मीटर तक लेजर बीम भेजते हैं, 300 मीटर या उससे आगे तक, 300 मीटर तक इसकी एक्यूरेसी बहुत स्पष्ट होती है। हम उससे नंबर प्लेट आसानी से रीड कर लेते हैं और वाहन की गति और वाहन की इमेज बहुत ही स्पष्ट तौर पर हम कैप्चर कर लेते हैं। सर, लगभग अभी तक कितने सर चालान अभी एक फरवरी से चूँकि हमको गाड़ी आवंटित हुई है इस महीने के लिए और 10 तक रहेगी, मैं 82 चालान अभी तक कर चुका हूँ और अभी इससे और भी बढ़ाऊंगा। सर, चालान किस तरीके से सर जी कटते हैं और किस तरीके से सब वाहन चालकों के पास पहुँचते हैं सर? ये आज की तारीख में अधिकांश जितने भी वाहन चालक हैं उनके या वाहन स्वामी हैं उनके मोबाइल नंबर हमारे डाटाबेस में अंकित हैं। जैसे ही हम किसी वाहन का चालान करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ई चालान से उस वाहन स्वामी या और चालक के पास जिनका मोबाइल नंबर हमारे पास अंकित है उस मोबाइल पे चला जाता है। यदि उस नोटिफिकेशन से वो हमारे ऑफिस या ऑनलाइन भुगतान करता तो ठीक है, अन्यथा हम इस चालान को मान्य न्यायालय भेज। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।